हफ्ते परीक्षा पे चर्चा के साथ। तो छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस बार पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 2,26,00,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। और खास बात यह है कि लोग अब प्राइम वीडियो पर भी लोग अब इस अलेक्सा को आदेश देकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों से परीक्षा का तनाव छोड़कर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा को एंजॉय करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। कार्यक्रम के 7वें संस्करण में सोमवार को प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर इस बार देश भर में कितना उत्साह रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2,05,00,000 छात्रों के अलावा करीब 15,00,000 शिक्षक और 5,50,000 से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा में के तहत जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम इससे भी जुड़ा हुआ है कि नए भारत में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को आ रही है। एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आर्थिक जो गतिविधि हो रही है उसके तहत प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट mental well-being, loss of stress, but it's also an opportunity to know what the new India is like and the kind of opportunity it offers. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3,000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्रों और 1 शिक्षक को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वेरी गुड थिंग उनका लगता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं कि जैसे पेपर के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, नॉट बी जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट बाय जस्ट गिविंग इट 2 or 4 hours और जस्ट गिविंग इक्वल टाइम, फॉर एग्जांपल 2 hours फॉर वन सब्जेक्ट एंड हाफ एन आवर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को अपने पेपर के दौरान स्पेशली। तो हर बार की तरह PM इस बार भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरे को याद है मैंने जब पिछले साल देखा था तो PPC में PM ने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटी सी चींटी का। तो वो जब एग्जाम्पल्स दे दे के बच्चों को समझाते तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, हमारे डाउट सारे क्लियर होते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वह यही कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसे एक खेल की तरह लीजिए, पढ़ाई से कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और यदि होता भी है तो उसे आपको इग्नोर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे चलकर हम किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे, कोई भी जॉब या बिजनेस करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस आना लाजमी है और हमें उसको समझने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा है कि परीक्षा पे चर्चा को लेकर बच्चों में और छात्रों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ स्ट्रेस से निपटने के ही गुण नहीं देंगे आज, लेकिन नए भारत का भविष्य कैसा हो इसकी भी परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के द्वारा देने वाले हैं।
जी देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री हर बार छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर बताते हैं और इस बार कितना उत्साह रहा छात्रों में। आप देखिए, कल मन की बात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने बताया था कि 2018 में जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 22,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार जो 2024 में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण हो रहा है तो 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब 2018 के मुकाबले आप देखिए तो 1,000 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मूवमेंट बन चुका है परीक्षा पे चर्चा। और पिछले साल के से तुलना करें तो पिछले साल भी करीब 39,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और पिछले साल के मुकाबले भी 6 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इसकी वजह एक ये भी है कि अब पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो CBSE के स्कूलों के बच्चों के लिए ही वो खुला होता था, वही रजिस्ट्रेशन करवा पाते थे, लेकिन अब तमाम जो राज्य बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें 1,90,00,000 जो रजिस्ट्रेशन है, ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन वो जो स्कूली शिक्षा बोर्ड है, स्कूल के जो स्कूली राज्य शिक्षा बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप देख सकते हैं कि देश भर में, देश के तमाम राज्यों में किस तरह से परीक्षा पे चर्चा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। और बात करें परीक्षा पे चर्चा की आज की कार्यक्रम के, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर बताएंगे कैसे जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, चूंकि अब परीक्षाओं का वक्त भी करीब आ रहा है, 15 फरवरी से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर छात्रों में, हम सभी छात्र जीवन से गुजरे हैं तो कितना तनाव रहता है, कितना भय रहता है, कितनी घबराहट होती है, ये सब ये हम इसको फील करते हैं। तो कैसे उससे बेहतर तरीके से निपटा जाए और कैसे टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन अच्छे से किया जाए, घबराहट को दूर रखा जाए और जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उनसे अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, उनसे दूर रहना है और कैसे योग करना है, मेडिटेट करना है ताकि स्ट्रेस को दूर रखा जाए, अच्छी नींद लेना है ऐसे, और पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहना है और अपनी अपने जो हॉबीज़ हैं उनको भी बीच बीच में पूरा करते रहना है। तो ऐसे तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री छात्रों के साथ शेयर करते हैं। और इस मौके पर आज जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने खास तौर पर परीक्षा पे चर्चा गीत भी तैयार किया है जो कि वो प्रधानमंत्री के समक्ष पेश करेंगे। उस गीत की कुछ पंक्तियाँ हम आपको बताना चाहेंगे, परीक्षा पे चर्चा गीत है, कुछ पंक्तियाँ हम आपको बताएंगे कि किस बात की है चिंता, किस बात का है डर, कुछ भी नहीं कठिन है हम ठान ले अगर, जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा, संघर्षों में मुस्काना और आगे बढ़ते जाना, सीखें प्रधानमंत्री जी से कठिनाई में राह बनाना, धाराएं हो प्रतिकूल जब कर हिम्मत से अनुकूल सब, मन की बातों को समझकर मन की बातें समझाना, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री की जो प्रेरणादायी बातें हैं उससे छात्रों को मोटिवेशन मिलता है। तो निश्चित तौर पर आज सभी को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री की इस परीक्षा पे चर्चा का। बिल्कुल इंतजार सभी को है, लेकिन छात्र छात्राओं के साथ साथ अगर देखा जाए तो टीचर्स और पेरेंट्स, उनको भी कई सारे टिप्स आज के इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे निशांत कि आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें भारत मंडपम में कितने छात्र शामिल होते हुए नजर आएंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे, और कितनी उम्मीद है कि ऑनलाइन छात्र जो है वो जुड़ेंगे इस पूरे कार्यक्रम से। जी देखिए, अगर भारत मंडपम में कार्यक्रम की बात करें तो करीब 3,000 छात्र, शिक्षक और अभिभावक भारत मंडपम में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा देश के तमाम स्कूलों में छात्र जो हैं वो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखेंगे और प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछे जाएंगे, 20 या 21 सवाल हैं जो कि प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे। इसमें कुछ सवाल जो भारत मंडपम में बैठे छात्र हैं वो पूछेंगे और कुछ सवाल जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से ऑनलाइन छात्र जुड़ेंगे वो पूछेंगे। देश के अलावा जो विदेशों में भी जो भारतीय छात्र पढ़ते हैं उनके सवाल भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम है इसमें छात्रों के अलावा शिक्षक और अभिभावकों से भी प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, क्योंकि जो परीक्षा पे चर्चा के अगर लाभार्थियों की बात करें तो छात्र तो हैं ही,
शिक्षक और अभिभावक वो भी इसके लाभार्थी हैं, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा का जो परीक्षाओं का जो दबाव होता है छात्रों पे वो सबसे ज्यादा अभिभावकों का होता है। आपको मालूम है कि अभिभावक दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करते हैं कि हमारे पड़ोसी के बच्चों को 98% या 99% मार्क्स आए हैं तो हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। तो अभिभावकों का प्रेशर होता है, शिक्षकों का भी प्रेशर होता है, वो दूसरे बच्चों से आपकी तुलना करते हैं तो वो उसका भी प्रेशर होता है। तो निश्चित तौर पर छात्रों को भी प्रधानमंत्री टिप्स देंगे, अभिभावकों को भी देंगे, शिक्षकों को भी देंगे। और प्रधानमंत्री ने जैसा परसों एनसीसी के कैडेट्स से जब वो संवाद कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तो उसके सबसे बड़े जो लाभार्थी होंगे वो आज के जो युवा हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो वो सबसे बड़े लाभार्थी होंगे भारत को विकसित भारत बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कृतिका, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की जो पीढ़ी है उसको जेंजी नहीं खिला